अगर भाई आप अभी ना एक फ़ोन परचेस करने जा रहे हो ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अभी अपना पैसा बर्बाद मत करना स्मार्टफोन के ऊपर, क्योंकि सितंबर के महीने में ना काफ़ी सारे डिस्काउंट वाला सेल आने वाला है। जो साल का सबसे बड़ा सेल होता है फ्लिपकार्ट पर द बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन पर ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल, ये दोनों सेल ना साल के सबसे बड़े सेल होते हैं। और इसमें एंड्रॉयड फ़ोन हो गया या फिर एप्पल का फ़ोन हो गया, उस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द बिग बिलियन डे सेल और साथ में दशहरा सेल और यहाँ पर दिवाली सेल, इन सारे पर ना कौन से बैंक पर किस टाइप का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि द बिग बिलियन डे पर कौन से बैंक पर यानी कि क्रेडिट कार्ड पर कितना डिस्काउंट रहेगा और डेबिट कार्ड पर किस टाइप का डिस्काउंट आएगा, कौन से बैंक पर डिस्काउंट मिलेगा, सब कुछ बताऊँगा। और हमें अभी फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं, कितना डिस्काउंट हमें स्मार्टफोन पर मिल सकता है, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि द बिग बिलियन डे सेल कब स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी जाकर गूगल पर सर्च करोगे ना, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा 8 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसका जो सेल का जो डेट है, पर यहाँ पर ना ये बिल्कुल रॉन्ग डेट है। इस डेट में बिल्कुल भी सेल स्टार्ट नहीं होने वाला है। वो मेरे हिसाब से ना 27 सितंबर से लेकर उसके ऊपर अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। और ये ना 8 से 10 दिन तक सेल चलता है। इसमें काफ़ी सारे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अगर डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट की बात करें कि कौन से बैंक पर मिल सकता है, तो यहाँ पर तीन बैंक आपको नजर आ रहे होंगे, जो एक है एक्सिस बैंक, एक है ICICI बैंक और एक आपको मिलेगा कोटक का बैंक। इन पर ना मेरे हिसाब से इनमें से तीनों में से दो तो आपको देखने को मिलेगा, और कौन सा रहेगा दोनों वो भी कंफर्म नहीं है, पर दो पर आपको डेबिट कार्ड अगर आपके पास है इस वाले बैंक का, तो आप डिस्काउंट पा सकते हैं। और वैसे क्रेडिट कार्ड पर तो सारे क्रेडिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट मिलते ही है। अगर बात करें आगे कि कौन से बैंक पर अमेजोन पर मिल सकते हैं, तो ग्रेट इंडिया फेस्टिवल पर ना आपको यहाँ पर देख सकते हो तीन बैंक आपको नजर आ रहे होंगे। वैसे SBI पर तो हमेशा आपको मिलता ही है डिस्काउंट 10% का, और उसके बाद में आपको मिलेगा HDFC पर, और साथ में ना मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ICICI बैंक पर या फिर कोटक के बैंक पर देखने को मिल जाए डिस्काउंट, ये भी कंफर्म नहीं है, पर इन दोनों पर तो कंफर्म ही है कि इसका डिस्काउंट आपको मिलता ही है। अब इसके बाद में अगर मैं अभी परचेस ना करूँ बिग बिलियन डे सेल में, तो उसके बाद में कोई और भी सेल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि उसके लगभग 2 से 3 दिन या फिर 4 दिन बाद ना आपको दशहरा सेल देखने को मिल जाएगा। तो दशहरा सेल में क्या रहता है कि जैसे जो स्मार्टफोन होते हैं यानी कि ज़्यादा डिस्काउंट उस पर नहीं मिलता, ये आप कह सकते हो कि इस पर बहुत कम डिस्काउंट के साथ में स्मार्टफोन बिकता है। और यहाँ पर जो बैंक होते हैं वैसे ही बैंक का डिस्काउंट मिलता है, पर कुछ नए तरीके का बैंक, जैसे कि जो नए बैंक आते हैं यानी कि नए क्रेडिट कार्ड होते हैं, किसी को अपना एडवर्टीजमेंट कराना है तो वो इस बैंक पर ऐड कर देते हैं, जैसे दशहरा वाले सेल पर ऐसा कुछ रहता है। अब तीसरे वाले ऑफर्स की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको मिलेगा दिवाली सेल, यानी कि द बिग बिलियन डे सेल के बाद में जो सबसे बड़ा सेल होता है ना, वो होता है दिवाली का सेल। और ये सेल ना दिवाली से 8 दिन या 10 दिन पहले स्टार्ट होता है। उसके बाद में ना इसमें जो भाई द बिग बिलियन डेज में स्मार्टफोन बहुत कम बिकते हैं ना, उस पर और भी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ में दिवाली सेल में स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाता है। यानी कि सेल में जो द बिग बिलियन डेज सेल होता है और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल होता है, उसमें जो स्मार्टफोन नहीं बिकते हैं यानी कि जो ज़्यादा प्राइस लगता है, तो स्मार्टफोन बहुत कम लोग पर अपने लिए परचेस करते हैं, तो यहाँ पर दिवाली सेल आता है ना, तो उसमें वही स्मार्टफोन और भी कम प्राइस में लॉन्च कर देते हैं, जिससे कि लोग उसकी तरफ जाएं और स्मार्टफोन परचेस करें। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कि द बिग बिलियन डे से अच्छा ऑफर आपको दिवाली सेल में भी देखने को मिल सकता है, पर दिवाली आने से 1 दिन या फिर 2 दिन पहले ही ये सेल ख़त्म हो जाता है, दिवाली वाला सेल, क्योंकि दिवाली के समय पर ज़्यादातर स्मार्टफोन बिकते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, यानी कि मार्केट में जो शॉप होते हैं वहाँ पर लोग अपना डिस्काउंट लगा कर दे रखते हैं, तो लोग ज़्यादातर वहीं पर जाकर परचेस कर लेते हैं, तो उससे पहले स्मार्टफोन बहुत सारे बिक जाते हैं। तो यहाँ पर ये तीन सेल आने वाले हैं जो 2024 में रहेंगे, और ये लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ये तीनों सेल ना सितंबर से अक्टूबर तक के बीच में आपको मिल जाएंगे। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी आप फोन परचेस करके आप अपना पैसा बर्बाद मत करना, आपका पैसा बहुत ज्यादा बचत होने वाला है इन तीनों सेल में, यानी कि इन तीनों सेल में स्मार्टफोन बाय करोगे तो भाई पैसा तो बचत होगा ही, और साथ में आप पैसा बचत होगा और यहां पर जो स्मार्टफोन रहेगा वो भी आपको अच्छा स्मार्टफोन काफ़ी कम प्राइस में मिल ही जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन से स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, यानी कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना है, जैसे कि एंड्रॉयड का फ़ोन लेना है या फिर एप्पल का, कमेंट में एक बार जरूर बताना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ऐसे ही नए ऑफर्स के डिटेल्स पर। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं।